मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील में 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आनन फानन में निजी जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। प्रशासन हरकत में आया और उस जमीन पर फोर्स तैनात कर दिया, जिसके बाद आज 96 गांव की पंचायत ग्राम गोहिंदा बुलाई गई थी। इस दौरान भीम आर्मी और जाटव समाज के लोगों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई है। वहीं पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मूर्ति न हटाने की मांग की है। ये मारपीट पूर्व मंत्री इमरती देवी के सामने भीम आर्मी के पदाधिकारी रुपेश केन की जाटव समाज के युवाओं के साथ हुई। भीम आर्मी ने भाजपा के सीनियर नेता मोहन सिंह राठौर के कार्यकर्ताओं पर लूट का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। वहीं इमरती देवी भी विवादित जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की वकालत करती हुई नजर आई। बहरहाल ग्राम गोहिंदा में तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों के आक्रोश के चलते कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। नगर के पास गोहिंदा मार्ग पर राजन के पास स्थित सर्वे क्रमांक 127 से 130 भूमि पर मालिकाना हक पाने के लिए दो पक्षों में विवाद हो रहा है। जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से वर्ग विशेष ने 19 अक्टूबर को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगा दी थी। यह विवाद पिछले दिनों से चल रहा है। प्रशासन आज तक समस्या का समाधान नहीं निकाल सका। इस भूमि पर अपना हक जता रहे भगत सिंह रावत और आशिक खान ने अपने साथियों के साथ पिछले दिनों जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसके बाद रातों रात गोहिंदा के एक वर्ग के कुछ लोगों ने भूमि पर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बीते रोज ज्योतिबा फुले की प्रतिमा भी लगा दी। अब यह विवाद वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। गाँव के लोग हैं और 96 गांव पूरे डबरा और भितरवार विधानसभा के सभी गांवों के जाटव समाज के लोग आए हैं। जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति पधरी है, जो जमीन सरकारी है, इस पे जो मूर्ति पधारी है, वो मूर्ति हमारी पधर गई, अब वो मूर्ति नहीं उठेगी। यहाँ पर काफी पहले से जो मोहन सिंह राठौर जी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, जो सिंधिया जी के खेमे के खास नेता माने जाते हैं, मोहन सिंह राठौर जी, उनका एक कार्यकर्ता था, उसने जबरदस्ती मेरे में धक्का मारा। धक्का मारने में हमारे कार्यकर्ता गुस्सा होकर उनसे रूबरू होकर आए कि भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या बात हुई कि धक्का क्यों मारा। इतने उसने गाली गलौज भी की और मेरे गले में जो पड़ी हुई चैन थी, आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे निशान होंगे, ये मेरी अंगूठी भी इस तरीके से टूट गई है, ये मेरी चोट भी।